नमस्कार, रसोई के चमत्कार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, केला खाने के बाद क्या आप केले का छिलका फेंक देते हैं? ऐसा मत करिए। फ्रेंड्स, आज हम अपनी रसोई में ही तैयार किए कुछ सौंदर्य टिप्स आपसे शेयर कर रहे हैं। आजकल सर्दी का मौसम है, हम सब अपनी त्वचा के फटने या फिर खुरदरा होने से परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले मैं हाथों की त्वचा की केयर पर ध्यान देने की बात करती हूँ। इसके लिए कुछ सामग्री मैंने रसोई से ही ली है, इसे दिखा देती हूँ। हमने यहाँ लिया है एक नींबू, एक टमाटर और एक केला। इसके साथ हमें ग्लिसरीन की भी आवश्यकता होगी। तो चलिए, हाथों की त्वचा को टोन अप और मुलायम रखने के लिए ये पहला टिप ले लेते हैं। इस केले को हम छीलकर इसके छिलके का इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ छिलकों का ही प्रयोग करना है। इसके फल का सेवन किया जा सकता है जो आंतरिक रूप से फायदेमंद है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। तो चलिए इसके छिलके को देखते हैं। ये छिलके के अंदर का भाग जो आप देख रहे हैं सफेद है। इसे हम अपने हाथों के पिछले भाग पर रब करेंगे। इस प्रकार इसे हाथ से लेकर कोनियों तक हम रब कर सकते हैं। हमने तब तक मालिश इससे करनी है जब तक इसका सफेद भाग रगड़ने पर खत्म नहीं हो जाता। ये देखिए, यहाँ से छिलका पतला हो गया है। इसी प्रकार बाकी छिलकों से हम त्वचा पर मालिश करेंगे। इसके बाद हमें इसे 10-15 मिनट तक सूखने देना है। अब हम अपने अगले स्टेप पर आते हैं। ये नींबू को काट कर इसका हम रस निकाल लेते हैं। टमाटर का भी रस निकाल लेते हैं। मैंने क्योंकि हैंड प्रेशर जूसर से इसका रस निकाला है तो इसमें बीज भी आ गए हैं। इन्हें हम छलनी के साथ छान लेते हैं। अब इस टमाटर के रस में एक चम्मच नींबू का रस मिला लेते हैं और ये छोटी सी शीशी जो आप देख रहे हैं ये ग्लिसरीन है। इसकी 3-4 बूंदे मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा हैंड पैक। अब हम कॉटन बॉल लेंगे, उसे इस पैक में डुबोकर अपने हाथों और बाजुओं पर अप्लाई करेंगे। इसे कोनियों पर भी जरूर लगाएं। अब आप 15 मिनट तक इसे सूखने दें। जब ये सूख जाए तो गुनगुने पानी से हाथ और बाजुओं को धो डालें और एक सॉफ्ट टॉवल के साथ पैट करके पोंछ लें। इसी पैक को चेहरे पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। चेहरे पर अप्लाई करने से पहले हमें अच्छे से मुंह को साफ करना है, धो लेना है। आप एक कटोरी में कच्चा दूध ले लेंगे और 3-4 कॉटन के बॉल तैयार करके रख लेंगे। कच्चे दूध में भिगोकर थोड़ा सा स्क्वीज कर लें और चेहरे को क्लीन करें। इन्हीं बॉल्स के साथ क्लीन करना है। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही होंगे कि दूध क्लींजिंग मिल्क का काम करता है। चेहरे को क्लीन करने के बाद आप इसी पैक को जो हमने हाथों पर अप्लाई किया था चेहरे पर अप्लाई कर लें और सूखने तक इंतजार करें और फिर गुनगुने पानी के साथ धो लें। यदि रात को करके सोएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। ट्राई करके देखिए, लाभ होगा। आज यहीं तक। अगली रेसिपी में एक और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।